हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक और ज़बरदस्त जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से, एमटीएस रिक्रूटमेंट 2023 की वैकेंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने एकदम सही सुना, एसएससी की तरफ से एमटीएस और हवलदार 2023 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट की डिटेल को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म अप्लाई होना कब स्टार्ट होगा, वैकेंसी कितनी रहेगी, एज लिमिट, जॉब लोकेशन। सो चलिए हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग तो सिंपली 10th पास होना चाहिए, मतलब ओनली 10th पास मांगता है। परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड्स, अगर आप सिंपली 10th पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एकदम एलिजिबल हो। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करूं तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मंथ यानी कि जून से आपका ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो आपको 14th जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो लास्ट डेट होने वाला है अप्लाई करने का वो आपका 14th जुलाई 2023 रहेगा। सो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए टोटल आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। सो आप लोग अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना, बट लास्ट डेट का वेट नहीं करना है आप लोगों को। फ्रेंड्स, 14 जुलाई के पहले पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना होगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स, कि अगर एसएससी की मैं बात करूँ तो 10th लेवल की अगर कोई सबसे बेस्ट जॉब प्रोफाइल होती है तो ये आपको एमटीएस का जॉब प्रोफाइल माना गया है। फ्रेंड्स, अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। मिनिमम आपको 5000 to 10000 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि लास्ट वैकेंसी आपने देखा होगा तो आपको 12000 के अप्रॉक्स था आपकी वैकेंसी। सो आपको इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो 18 ईयर्स है। इसमें दो तरह की वैकेंसी होती है, एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और हवलदार की पोस्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। सो आपको मिनिमम एज 18 इयर्स रहने वाला है और मैक्सिमम एज आपको 25 to 27 इयर्स रहने वाला है। तो दो तरह का पोस्ट है तो दो तरह का एज लिमिट भी देखने को मिलेगा। ये जो मैंने एज लिमिट बताया वो आपको जनरल वालों के लिए रहने वाला है, और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि फॉर्म की फ़ी क्या रहने वाली है। सो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 100 रुपीज़ का फ़ी लगेगा, और वही अगर बात करूँ एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑल कैटेगरी फीमेल और एक सर्विस मैन के लिए तो यहाँ पे उनसे कोई फ़ी नहीं लिया जाता है इस फॉर्म के लिए। एग्ज़ाम की डेट अगर आप जानना चाहोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर 2023 में एसएससी की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा, CVT 1 का पेपर। सो एसएससी की तरफ से अभी इसके लिए कोई प्रॉपर डेट नहीं दिया गया कि इस डेट से इस डेट के बीच आपके एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बट हाँ, एक होता है ना कि एक डेट आ चुका है ऑफिशियल डेट कि सितंबर 2023 में आपके इस पेपर को एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा। सो आपको तैयारी अच्छे से करना है।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो SSC MTS का सिलेबस जो है वो बहुत चेंज हो गया है। जिन लोगों ने इससे पहले फॉर्म अप्लाई किया होगा उन्होंने तो एग्ज़ाम के टाइम पे देखा भी होगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं डिटेल अच्छे से समझाऊंगी, बताऊंगी कि इसमें क्या क्या होने वाला है, एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होने वाली है, किस तरह से आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। एग्ज़ाम तो आपका सितंबर में होगा, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है सिंपली आपको देखा जाए तो आपका जो CBT एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन पेपर उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको दो सेशन देखने को मिलेगा, सेशन 1 और सेशन 2 होगा। एक ही एग्ज़ाम होगा बट एग्ज़ाम आपको दो सेशन में देना होगा। इसके बाद फिजिकल होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। जो बच्चे हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं सिर्फ उनका फिजिकल लिया जाता है, MTS वालों को कोई फिजिकल एग्ज़ाम नहीं देना होता है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, देन आप अपने ज्वाइनिंग को अचीव कर पाते हो। एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करूं तो ये एग्ज़ाम को जो है अब दो पार्ट में बांट दिया गया है, मतलब कि दोनों सेशन 1 और सेशन 2 आपका एक ही दिन होगा। टोटल आपका 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता था पहले, वैसे ही आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, बट आपका सेशन 1 और सेशन 2 आपका एक ही दिन एक ही समय सेम टू सेम होगा। बस आपको ये रहेगा कि सेशन 1 में आपका मैथ रीजनिंग हो जाएगा और सेशन 2 में GK GS हो जाएगा। सो चलिए एग्ज़ाम की पैटर्न को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सेशन 1 में जैसा मैंने आपको बताया कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, तो मैथ के आपको 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिया जाता है, तो आपका मैथ का 60 नंबर हो गया और रीजनिंग का 60 नंबर हो गया, तो टोटल जो है आपका मैथ रीजनिंग का 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 45 मिनट में एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपको बस क्वालिफाई करना होता है। मैथ और रीजनिंग का जो आपका 120 नंबर दिया जा रहा है उसमें से आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, मतलब कि जनरल वाले अगर 30% उसका ले आते हैं, EWS वाले 25%, SC ST वाले अगर 20% ले आते हैं, तो आप जो है सेशन 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। तो इससे आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बस क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका सेशन 2 का जो है वो मार्क्स आपका नहीं चेक किया जाएगा। सेशन 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सेशन 2 से मेरिट बनेगा। सेशन 2 की मैं बात करूँ तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, मतलब कि इसमें आपको GK GS के 25 क्वेश्चन रहेंगे और आपको इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो आपका GK GS 75 नंबर का रहेगा और इंग्लिश 75 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल आपको सेशन 2 में 150 नंबर का रहेगा और आपको ये भी 45 मिनट का होगा। ये आपका फाइनल मेरिट बनाएगा ये सेशन आपका, इसके बेसिस पे ही आपका कट ऑफ पे ही आपका सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम में। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। सो आप लोग को अभी से GK GS पे ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि जब आप सेशन 1 आपका ख़त्म हो जाता है 45 मिनट का मैथ और रीजनिंग का, तो आप लोग सेशन 2 पे चले जाते हो। तो बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि चलो मैंने ये मैथ का क्वेश्चन नहीं बनाया तो मैं नेक्स्ट सेशन में चला जाता हूँ, इंग्लिश GK बना लूँगा तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा। तो पर ऐसा आपको होता नहीं है, जैसे ही आप सेशन 1 आपका 45 मिनट ख़त्म होता है तो आपको फिर आपका मैथ और रीजनिंग से आपको कोई मतलब नहीं, अगर आपने छोड़ दिया तो वो आपका क्वेश्चन छूट गया। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि पहले का जो 45 मिनट है उसमें ही आप टोटल जो 40 क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ रीजनिंग का उसको आप कंप्लीट कर लो, और सेशन 2 में फिर आप अच्छे से फोकस करो वो 45 मिनट्स के लिए।
सो ये आपका एक बेसिक डिटेल्स है एग्जाम की पैटर्न के बारे में। हम लोग अभी नेक्स्ट प्रोसेस को समझेंगे, जो हवलदार के लिए जिन बच्चों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे उनके लिए फिजिकल होता है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल होता है इसमें आपको वॉकिंग करना होता है, 1600 मीटर आपको वॉक करना है मेल कैंडिडेट को 15 मिनट्स में, और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर आपको वॉक करना है 20 मिनट्स में। हाइट की बात की जाए तो जो ऑल कैंडिडेट है मेल कैटेगरी उनको 157 आपका सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और अगर एसटी कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट तो उनको 152 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड रहेगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो ऑल कैटेगरी फीमेल को आपको 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वही अगर एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो उनको 149.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स का जो है वो चेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपका 81 to 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स वेट भी देखा जाता है, तो मेल कैंडिडेट का तो कोई वेट का यहाँ पे नहीं दिया गया कि इतना वेट होना चाहिए, हाँ बट फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ पे उनको ऑल कैटेगरी फीमेल को 48 kg वेट मांगा गया है, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका वेट जो है वो 46 kg होना चाहिए। तो ये सारी आपकी जो डिटेल्स है वो तो हो गई आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सो अब हम लोग जानेंगे कि आपकी जॉब की जो लोकेशन रहेगी वो कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो ये जो आपकी वैकेंसी निकलेगी वो आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए निकलती है, और सबसे खास बात ये रहता है कि यहाँ पे आपसे ना आपका प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आप किस स्टेट को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहोगे। तो आप जो है वो एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को देखना, वहाँ पे हर स्टेट में जो कैटेगरी वाइज दिया रहता है तो आपकी कैटेगरी से जिस स्टेट में आप भरना चाहते हो कितनी वैकेंसी है ये सारी चीज़ें देख के आप अपने जॉब की लोकेशन को चूज कर सकते हो। तो उसी के आधार पे आपको बाद में आपको जॉब अलॉट किया जाता है। सो अगर इसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फिर से जब आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए तो आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आओ अच्छे से डिटेल्स में कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको कितना वैकेंसी है और भी सारी डिटेल्स को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू अपडेट लेके आऊँ तो सबसे पहले आप सभी के पास आए। सो बने रहिएगा न्यू अपडेट के लिए, मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, बाय बाय, टेक केयर।